जय हिंद राम राम भाई सब रहे। तो एक को ये पाकिस्तान का भाई ब्लाइंड पर्सन है जिसने वाकई में भाई दिल को छू लिया, ऐसी बात इसने कर दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। गोरे के अंदर रहेंगे तो मुझे याद है एक वाकया सेंट्रल लंदन का, यूनियन स्टेट पार्क का, यूनियन स्टेट पार्क तो न्यूयॉर्क में क्या कहते हैं रसल स्क्वायर स्टेशन का, जहां पर मुझे उसने कहा गो बैक होम गोरे ने, गो बैक टू योर ओन कंट्री, यू डोंट बिलोंग हियर। कम से कम यहाँ पर मुझे ये कोई नहीं कह सकता, ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगा, चाहे भिखारी बनकर रहूँ या चाहे अशरफिया का हिस्सा बनकर रहूँ, लेकिन अपनी धरती माँ से प्यार करना चाहिए और अपनी धरती माँ के अंदर रहकर अपने आप को प्रोग्रेस कराना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बाहर जाते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर रहना कंफर्टेबल है, मुझे ये ज़िंदगी अच्छी लगती है, मुझे ये स्मेल, ये खाना, ये रोड साइड पर बैठना, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो कि मुझे दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। लेकिन शायद लोगों को खुशी कुछ और पैसों से मिलती हो या चीज़ों से मिलती हो जो उनको वहाँ पर रह के मिलती हो, तो मैं उनको, ये एक इनफरादी फैसला है, ये कोई किसी के ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल बर्डन मौजूद नहीं है। वकालत करते हैं। जबरदस्त यार, बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया इंडिया को लेकर, इंडिया को पीसीसी से आजाद कर दिया। इंडिया को कहा कि आप जब मर्जी अपने बंदे भेज सकते हो सऊदी अरेबिया के अंदर। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, हर कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर अगर कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कुछ और कर रहे हैं, क्या वाकई में हम कर रहे हैं या हमें बदनाम किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड के अंदर? सर, इस बात को आप ये तीन या चार जावियों की नज़र से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इस्लाम इत्तेहाद के चक्कर के अंदर या मज़हब की आड़ लेकर अपनी किसी भी हरकत से मावरा होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी सऊदीया में जाते हैं, अमारात में जाते हैं, आज़ाद वीज़ों पर जाकर वहाँ पर नौकरियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, दूसरी सतह के ऊपर वहाँ पर चाइस का कारोबार, नस्वार खाकर थूकना, इस तरह की रवायात को उन ममालिक के अंदर यही आम करते हैं। तो इनकी हरकत व सकनात ही ऐसी हैं कि इस तरह की पाबंदियाँ इन पर वो लोग लगाते हैं क्योंकि उनको चीप लेबर चाहिए, चाहे वो इंडिया दे, बांग्लादेश दे, पाकिस्तान दे, श्रीलंका दे या फिलिपीन दे, जो भी दे, उन्होंने उस आर में रहकर अपना मकसद पूरा करना है। और जब वो बेहतर सिटीजन बनकर उनका वो मकसद पूरा करते हैं तो पाकिस्तानियों पर कदगन लगाते हैं। दूसरी चीज़, खारजा पॉलिसी की सतह के ऊपर अगर हम इसको देखें तो हम ये समझते हैं कि खारजा पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज तक अगर हम तारीख का मुआवजना करकर अपने सामने रखें तो तारीखी पस मंजर के अंदर हमें यह नजर आता है कि खलीज के साथ पाकिस्तान के हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इस पस मंजर के अंदर रहकर हमें यह नजर आता है कि हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर एक गैप मौजूद है जहां पर हम खलीज के साथ वो ताल्लुकात नहीं कायम करके रख सके। बिल्कुल सही, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया को इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों दे रही है दुनिया? इंडिया का आप देखेंगे ग्रो रेट वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया यूके को बीट करने के बाद, आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं आप? सर, पहली तो बात यह, इंडिया से आप पाकिस्तान का कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। इंडिया की माशरती हजम की बात करें, इंडिया में सियासत इस तरह से नहीं होती, इंडिया में हर बंदा हर तरीके का फैसला करता है। इंडिया में ये नहीं होता कि ये इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ये पावर इसके पास मौजूद है तो ऐसे हो। रतन टाटा, मुकेश अंबानी इंडिया के फैसला साज हैं जो मईशत के साथ लिंक रखते हैं। अमेरिका के अंदर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग फैसले करने पर मुनहसर होते हैं, यहाँ पर वो इंसान फैसला करता है जिसको पैसे कमाने का ढंग नहीं आता, जिसको मईशत चलाने का ढंग नहीं आता, उसको अपना काम करना नहीं आता। तो हर बंदे को हर तरीके का काम करना चाहिए। अब मैं गनमैन अपना जो घर पर ड्राइवर है मेरा, उसको बोलूँगा वो मेरे घर के काम करे या मेरी जगह पर यह फैसला करे कि मेरे दफ्तर में क्या किस तरह से मामूलात चलाने, अदालत में मेरी जगह पेश हो, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहे था, इस यही वजह तो नहीं है कहीं हम अगर हम देखे जाए तो ना हमारी पॉलिटिकल को रिस्पेक्ट रह गई बाहर के कंट्री के अंदर। कोई कंट्री, हमारे शहबाज शरीफ साहब खुद ये बयान देते हैं कि मैं दूसरे कहीं मुल्क में जाता हूं तो लोग वहां के वजीर आजम मुझसे नजरें चुराते हैं, कि इसलिए कि शहबाज शरीफ उनके पास कुछ मांगने के लिए आया, इसको कैसे देखते हैं? सर, बेसिकली बात यह है कि हम एक भिखारी कौम है, चाहे हम इसको माने या ना माने। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमारी तारीख इस बात की गवाह है, हमने पैसे लेकर भी उजाड़ा है उनको, हमने सस्टेनेंस की तरफ नहीं आया, हमारे अभी भी कैश के ऊपर लोग चलते हैं, टैक्स देने को लोग अपनी तौहीन समझते हैं, रियासत पर लोगों को ट्रस्ट मौजूद नहीं है। तो जिनकी बुनाओं के ऊपर है फिर रियासत के पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, उनको बाहर जाकर मांगना पड़ता है। आज 2% टैक्स ना देकर नॉन फाइलर बनकर हम बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाएं, हम जो रियासत, जो हमारी माँ जैसी है, जो हमारी धरती है, उसकी सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को मावरा समझते हैं, जिसकी वजह से हम इर्तका कर आगे जाने से कासिर हैं। बिल्कुल सही, आने वाला टाइम क्या देखते हैं पाकिस्तान का? पाकिस्तान जिस तरह से डाउनफॉल के अंदर जाई जा रहा, अभी एक प्रिडिक्शन के मुताबिक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 75% चांसेस हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है। इसको कैसे? मैं मुसलमान हूँ, ना उम्मीदी कुफर है, मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना था और इस मुल्क को कोई भी नीचे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि जब तक उस रब का नाम ऊपर है, क्यों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में ये हो जाएगा, अभी इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं। हम ज़मीनी हकायक को देखें तो वाकई बहुत गंभीर हैं, लेकिन आज अपने माजी को देखें, अपने हाल को देखें, तो हम मिरेकल्स यानी कि
मिरेकल्स के ऊपर सर्वाइव करते आ रहे हैं, तो हम मुस्तकबिल में भी मैं समझता हूँ कि किसी मिरेकल का इंतजार कर सकते हैं। हमारे ज़मीनी हकायक या हमारी अवाम की हरकत सकनात तो ऐसी हैं नहीं कि मोजे के बगैर वो किसी और तरीके से सर्वाइव कर सकें। अगर आप 99 में देखेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के फॉरन रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, अभी आप देखेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आता आपको। मैं कंपेरिजन पाकिस्तान और इंडिया के इसलिए करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारी राइवलरी है, एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, लेकिन दुश्मन भी बराबर का होना चाहिए। इंडिया बहुत आगे चला गया, स्पेस एजेंसी देख लें, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देख लें, आप अगर देखेंगे 5G देखेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका इंडिया को कहता है कि भैया मैं ये चीज़ बनाकर दो, हम इसको भी अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सर पहली बात है आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाना और इस तरह मैं अब ये नहीं कर सकता। ठीक है, हम पाकिस्तान बहुत नेगेटिव चल रहे हैं इस वक्त, आप इस मार्केट का हाल देखें, जितने यहाँ पर खाने वाले हैं उतने ही यहाँ पर मांगने वाले मौजूद हैं, बल्कि हमारे अंदर तो ये बात मशहूर है कि जो क्या कहते हैं बरकत मार्केट है, यहाँ पर बैठ नहीं सकते आप, और हालांकि एक अशराफिया की जगह है, गार्डन टाउन है ये, इसको आप लाहौर का हब सिटी सेंटर कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकायक हमेशा गमाज होते हैं जो रियासत के रियासती सतह पर हालात होते हैं, तो वो गमाजी हमें देखने को मिल रही है और यही वजूहत हैं लोगों की पसमानदगी की इनफरादी और मजबूरी हैसियत के अंदर। लेकिन देखें बात सिंपल सी ये है कि इंशाल्लाह हमारा वक्त ज़रूर आएगा अगर हम अपनी अपनी भागदौड़ को खुद अपने हाथ में लें और आज हर इंसान इनफरादी हैसियत के अंदर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करे। इंडिया के अंदर भी लोगों ने इनफरादी हैसियत, सियासत का किसान है तो अपनी ज़मीन से प्यार करता है, अगर कोई कुत्ते पालता है ना तो कुत्तों को ऑनेस्टली पालता है, तो हम समझते हैं कि ये ट्रेड्स जब तक प्रेवलेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी सतह के ऊपर मुझे ये समझता हूँ कि मगरब, इंडिया, अमेरिका, इनके हमें कॉम्प्लेक्स से बाहर आना चाहिए। जब तक हम अपने आप को अपनी महदूद सोच के अंदर डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की गामजन जगह पर नहीं चलाएंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते, जब तक हम दूसरे मुल्कों से अपना कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि हर इंसान इनफरादी हैसियत के अंदर, मुल्क, शहर अपनी मजमूई हैसियत के अंदर अपने लिए तरक्की करता है, किसी और के साथ मुकाबलेबाजी के लिए नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि मईशरती मुकाबला ज़रूर है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एक हकीकत है, उसको हम डिनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन वो हकीकत तब हकीकत है जब हम अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंट्री, एज अ नेशन, ना कि ये कि हमने किसी के साथ मुकाबला करना है, क्योंकि इस वक्त हम किसी से मुकाबला करने की कंडीशन के अंदर मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, क्या वजूहत है कि हम उर्दू से बहुत ज़्यादा दूर हैं? इतने को ठोस अल्फाज आप बोल रहे थे कि जो कि मेरी भी समझ से, मेरी जो सोच से उससे भी बालातर थे, क्या वजूहत है कि उर्दू में ज़्यादा रिसर्च की हुई है? सर अंग्रेज़ी भी बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि जिस ज़ुबान में बात करो वो ज़ुबान अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि ज़ुबान इंसान का सबसे बड़ा हथियार होती है, तो उस वजह से मैं ज़ुबान कोई भी हो ज़बानें सीखने का शौकीन हूँ, मैं तो अपने आप को उर्दू का एक अदना सा तालिब इल्म समझता हूँ और उसी बुनियाद पर आपसे इस ज़बान के अंदर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टॉक इन इंग्लिश दैट्स आल्सो कम्प्लीटली फाइन, लैंग्वेजेस आर नॉट अ प्रॉब्लम, अकलम अरबी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बानों का मसला नहीं होता अगर इंसान सीखना चाहे, ज़ुबान तो एक ऐसी चीज़ है जो जितनी आए उतनी कम है। दैट्स वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। कितनी ज़ुबानें बोल लेते हैं? मैं यार उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, कुछ फ्रेंच और स्पेनिश। जबरदस्त यार, इतनी सारा कुछ आपको आता है, फिर पाकिस्तान में जो लोग थोड़ा डेवलप हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, डॉक्टर कर लेते हैं, इंजीनियर कर लेते हैं, फिर वो बाहर की सोचते हैं, आप बाहर पढ़ पुढ़ के फिर पाकिस्तान में क्या है लेने आए? सर ये धरती हमारी माँ है और इस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, चाहे यहाँ पर हम गंदे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हम एक फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न हैं, सर उठाकर जी सकते हैं, कहीं पर भी रहकर, गल्फ में रहेंगे तो हमें वहाँ पर अरबियों के नीचे लग के रहना। तो भाई वाकई में देखो हर बंदे की अलग सोच होती है, क्योंकि हाथ की पांच उंगली भाई हैं, भी बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो बंदा पाकिस्तानी है पर जो दिल है वो एक साफ है, नेक बंदा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की हम बात करें तो भाई पाकिस्तानियों के लिए हम दुश्मन है और हमारा देश हमारे लिए प्यारा है, ये पाकिस्तानी कैसे भी हो पाकिस्तान भाई उनके लिए है। तो इस बंदे ने भाई नॉलेज है, पढ़े लिखा है, अच्छा है, जो सबसे अच्छी बात बोली कि भाई चाहे हमारा देश भिखारी हो हमें भी क्यों ना मांगनी पड़े, फिर यानी कि जहां पर जन्म हो वहां पर मरे से अच्छी तो बात कुछ है नहीं। और तो मेन बात क्या थी भाई कि यानी कि जो सऊदी अरबिया है उसने पुलिस वेरिफिकेशन होती है किसी भी देश में जाते हैं वो फ्री कर दिया, और वो फ्री क्यों कर दिया है, वो फ्री इसलिए कर दिया है कि इंडिया के लिए उनका ट्रस्ट इतना बन चुका है कि भाई इंडिया का नाम अब क्राइम में है नहीं। आने वाले समय में तो हर वीडियो में ऐसे बोलता हूँ भाई, आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि भाई वीजा है वो भी फ्री होने लग जाए, यानी कि आपका पासपोर्ट है सिर्फ ये पता लगे भाई इंडियन है, चल मेरे भाई कहीं भी जाओ किसी भी देश जाओ। ठीक है, और ये किस वजह से हो रहा है कमेंट इसके बारे में जरूर करें। और
पाकिस्तान का है, एक चोर का जो ठप्पा था वो लग रहा है, उसको कहीं भी जाते हैं। अब यूएई ने इंडिया को रखा फ्री, पाकिस्तान को 5,000 दिरहम मांग रहे हैं, यानी कि आपके अकाउंट में वहां पे पाकिस्तानियों को 5,000 दिरहम होनी चाहिए जब उसको यूएई में प्रवेश करने देंगे। उसको क्यों 5,000 दे रहे हैं, यानी कि अगर वो भाई कहीं पे भी जाता उत्पने उनको गणे हैं, उल्टे काम करेगा, चोरी करेगा, तो उसके 5,000 दिरहम से उसको काट लेंगे। देश का फर्क देखिए भाई साहब, ये किस चीज के लिए क्यों है, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।